आपके पास चाइना होंडा वाटर पंप सेट है और आप चाहते हैं कि एक लीटर से, यानी कि अगर आपका इंजन एक लीटर से अधिक खा रहा है या एक लीटर पूरा खा जाता है एक घंटे में किरासन ऑयल, तो आप इसको कम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका क्या क्या सिस्टम होता है, इसका किरासन ऑयल हमें किस तरीके से कम करना है, किस तरीके से हमें ज़्यादा करना है। तो इसका जब आप इंजन को स्टार्ट कर देंगे, तो स्टार्ट करने के बाद आप ऐसा करेंगे, इस यहाँ पर ये एक्सेलेटर होता है, इस एक्सेलेटर को हल्का आप बढ़ाएंगे जो बराबर स्पीड, इंजन का स्पीड बराबर हो, ठीक है। अब इसका जो ट्यूनिंग होता है, जो माइलेज सेटिंग बोला जाता है, माइलेज सेटिंग कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक एयर स्क्रू नट है, एयर स्क्रू इसे देख सकते हैं, यहाँ पे होता है जिस तरह बाइक में होता है एयर स्क्रू, इसी तरीके से इसका भी होता है यहाँ पर। और RPM जो हम स्पीड बढ़ाते हैं यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं और इसे भी यहाँ से बढ़ा, ज़्यादा बेहतर होता है कि यहाँ से हम इसका स्पीड बढ़ा दें, इसे ना छेड़ें, इससे कोई ज़्यादा अंतर पड़ता नहीं है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम वहाँ दिया गया है रोकने के लिए, हम RPM वहीं से बढ़ा के इसका स्पीड, इसका जो सेटिंग होता है वो हम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, इस एयर स्क्रू को अगर आप टाइट करेंगे तो किरासन ऑयल कम खाएगा, और लूज करेंगे तो किरासन ऑयल ज़्यादा खाएगा। ऐसे मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने इस इंजन का अभी रिंग नया डाला, मैंने स्टार्ट किया तो इसका चौक मैं जैसे हटा रहा था तो नहीं हट रहा था, तो इससे समझ में आया कि मुझे और भी इसको ओवर तेल देना होगा। जैसे कि रिंग डालते हैं तो रिंग टाइट होता है, तो ऐसे में तेल ज़्यादा खाता है, तो इसके लिए मैंने इस स्क्रू को लूज किया, लूज करने के बाद मैंने चौक को हटाया तो हट गया। तो इससे पता ये चला हमें कि स्क्रू को हम जब लूज करेंगे तो तेल ज़्यादा खाएगा और टाइट करेंगे तो तेल कम खाएगा। अब टाइट उतना भी ना करें कि इंजन आपका दबने लगे और बिल्कुल चौक ही ना हटे, तो इस तरीके से हमें टाइट नहीं करना होता है। हम टाइट जो करेंगे, हम तीन चूड़ी के आसपास इसे हम लूज रखेंगे, इतना लूज रखेंगे, पूरा बराबर हम टाइट नहीं रखेंगे, तीन चूड़ी के आसपास इसे लूज रखिए। और उसके बाद और भी आप चाहते हैं कि और भी कम तेल खाए, तो इसको इतना लूज कीजिए कि ये स्क्रू चलते चलते बाहर ना निकल पाए, इतना लूज कीजिए। और ऐसा इसमें वो सिस्टम नहीं होता है बाइक की तरह कि जहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो वहाँ छोड़ दें, इस तरह का इसमें आपको समझ में नहीं आएगा और ना हमें समझ में आता है। ऐसे ही अंदाजे इसका मिलाया जाता है और देखा जाता है, ऐसे अगर करते हैं तो लमसम इसका जो किरासन ऑयल का क्षमता होता है वो 700 ml का होता है, 600 ml का होता है। अगर आपका 800 या 1000 ml खा लेता है, एक लीटर खा लेता है किरासन ऑयल, तो ऐसे में आप इस कार्बोरेटर को चेंज कीजिए, क्योंकि ज़्यादा इसमें ट्यूनिंग वूनिंग से फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको इसका ये डायरेक्ट चेंज करना होगा। और न्यू इंजन में तो अगर आपका प्रॉब्लम है, न्यू इंजन में ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ से ट्यूनिंग कीजिए, इसको टाइट रखिए, तीन गुना के लमसम में इसे टाइट रखिए और फिर इसे चलाइए। और ये भी देखा जाता है कि हम इसको कितना स्पीड में चला रहे हैं, इसका स्पीड इतना हो कि हमारा जो पाइप होता है वो पाइप में पानी बराबर दे, और ज़्यादा स्पीड ना चलाएं। ज़्यादा स्पीड चलाएंगे तो ऑटोमेटिक ज़्यादा ऑयल खाएगा, और कम स्पीड में चलाएंगे तो कम ऑयल खाएगा। तो ये सब इसका रीज़न होता है। उम्मीद है वीडियो से आपको फ़ायदा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।